नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका crickettipper.org में। crickettipper.org एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको IPL की फ्री प्रेडिक्शन मिलेगी। गूगल पर जाकर सर्च करना है crickettipper.org IPL प्रेडिक्शन, वहां पर आपको मैच की प्रेडिक्शन मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं मैच की। शाम को 7:30 बजे मैच खेले जाने वाला है सुपर सैटरडे का। आज दो मैच होने थे। मैच नंबर 3 की बात करते हैं, कौन जीतेगा आज। टॉस, टीम स्कोर, ड्रीम 11, मैच प्रेडिक्शन, जैकपॉट है, सेमी जैकपॉट है, सारी चीजें बताऊंगा। कलकत्ता वर्सेस हैदराबाद। चलिए, एक तरफ है श्रेयस अय्यर, एक तरफ है पैट कमिंस। बहुत ही तगड़ा ये रोचक मुकाबला होने वाला है और देखते हैं आगे। डिटेल में बात करते हैं, KKR वर्सेस SRH का आज मैच है। बात करते हैं सबसे पहले, किसी भी टीम को प्रेडिक्शन निकालने के लिए कंपेरिजन करना जरूरी है। KKR की टीम की बात करें, उसके टॉप प्लेयर्स आपको बता देता हूं जो बहुत फेवरेट है। श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह और सुनील नारायण, ये जो चार प्लेयर दोस्तों, ये मैच का रुख बदल सकते हैं। ये तीन प्लेयर तो बैटिंग से बदल सकते हैं और सुनील नारायण एक ऐसे बॉलर हैं जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों सच बताऊं तो KKR की टीम मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार वो IPL को जीत सकता है। ये नहीं कह रहा हूं मैं जीतेगा, पर बता रहा हूं। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम हालांकि थोड़ी कमजोर हो गई है। क्यों कमजोर हो गई है? क्योंकि बैटिंग में यार आपको इतना डेप्थनेस नहीं मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं अच्छे खिलाड़ी नहीं है, राहुल त्रिपाठी अच्छे खिलाड़ी हैं, मार्करम अच्छे खिलाड़ी हैं, क्लासन अच्छे खिलाड़ी हैं, पर बात करी जाए कॉम्बिनेशन की तो इंडियन कॉम्बिनेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू फॉरेन कॉम्बिनेशन। चलिए बात करते हैं रिकॉर्ड की, हेड टू हेड रिकॉर्ड। कलकत्ता वर्सेस SRH, दोनों ने 25 मैचेस खेले आपस में, जिसमें से बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है कलकत्ता का, 16 मैचेस जीते हैं, वहीं पर हैदराबाद ने सिर्फ 9 मैचेस जीते हैं। दोस्तों अब देखा जाए तो हैदराबाद 16 मैचेस आ रहा है कलकत्ता से, तो यहां पर किसका पलड़ा भारी है? कलकत्ता का। हाईएस्ट स्कोर यहां पर बनाया है SRH ने, तो यहां पर पलड़ा भारी हो गया हैदराबाद का। पर बात किया जाए लोवेस्ट स्कोर की, तो ये 11 नहीं है, ये 101 है। ठीक है, 101 है ये, इसको 11 मत समझना। सो ये 101 का लोवेस्ट स्कोर है। चलिए बात करते हैं यहां पर पिच कैसी होने वाली। ईडन गार्डन्स दोस्तों हमेशा फेवरेबल रहा है बॉलर्स के लिए, पेस बॉलिंग से ज़्यादा स्पिनर्स को फायदा करता है। ऐसा नहीं है कि पेसर्स को फायदा नहीं करता है, शुरू के 5-6 ओवर पेसर्स को फायदा मिलेगा और जैसे जैसे पिच ढलती जाएगी तो स्पिन बॉलिंग को फायदा मिलेगा, मतलब 70% पिच जो है बॉलिंग की हो जाएगी। और आउट फील्ड बहुत तेज है इसका, तो 179 का एवरेज स्कोर है। आगे बात करेंगे हम कि किस तरह से गेम आगे बढ़ेगा, पहले थोड़े से और फैक्ट जानना जरूरी है। देखिए, इस ईडन गार्डन पर 86 IPL के मैचेस खेले हुए हैं। 86 में से जिसने पहले बैटिंग करी है, ध्यान से सुना, जिसने पहले बैटिंग करी है वो जीता है 35 मैचेस और जिसने बाद में बैटिंग करी है वो जीता है 51 मैचेस। मतलब टॉस जीत के बॉलिंग लेना फायदा है, क्योंकि जो टीम बैटिंग सेकेंड करेगा उसको यहां पर फायदा है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 164 है और एवरेज सेकंड इनिंग 150। कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि चेस इतना आसान नहीं होगा, मतलब यहाँ पर अगर जो टीम पहले बैटिंग करती है उसने ज़्यादा रन बना दिए तो इतना आसान नहीं होगा चेस करना। चलिए बात करते हैं कलकत्ता वर्सेस हैदराबाद के टॉप बैट्समैन की। तो कलकत्ता के दो बैट्समैन रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर, इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 10 मैच में 318 रन बनाए हैं। वहीं कलकत्ता के खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर ने 10 मैच में 274 रन बनाए हैं, एवरेज यहाँ पर 27 का है और रिंकू का 53 का है। और क्लासेन और मयंक अग्रवाल दोनों की प्लेयर्स है, की बैट्समैन है हैदराबाद की साइड से। बात करते हैं बॉलिंग की, तो सूर्या शर्मा और वरुण चक्रवर्ती, ये इनका अच्छा रिकॉर्ड है और हैदराबाद के ये दोनों की बॉलर्स हैं। टी नटराजन, ये तमिलनाडु प्रीमियर लीग के प्लेयर हैं, अच्छा यॉर्कर डालते हैं और भुवनेश्वर कुमार को आप सभी जानते हैं, तो ये खिलाड़ी में बहुत पोटेंशियल है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट खिलाड़ी है। चलिए बात करते हैं हेड टू हेड की, दोनों टीमें आपस में पिछले 5 मैचेस में खेली है तो क्या रहा है। तो कलकत्ता की टीम जीती है 3 बार और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीती है 2 बार। तो यहाँ पर भी पलड़ा भारी है KKR का और यहाँ पर 2 मैचेस जीती है SRH। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या पिक्चर है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं ड्रीम 11 की टीम की। ये देख सकते हैं आप कि कौन कौन से प्लेयर्स पिकअप किए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये टीम नंबर 1 हो गई और इसी के साथ में मैंने एक और टीम बना के दी आपको और ये टीम नंबर हो गई 2। चलिए अब बात करते हैं
इंटरेस्टिंग फैक्ट की इसी में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपको बता देता हूँ कि चार प्लेयर्स में ऐसे बता रहा हूँ आपको जो इस गेम में इंपैक्ट डालेंगे। एंड्रू रसल जो है एक्सप्लोसिव ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेते हैं बॉलिंग भी कर लेते हैं, पर अभी पिछले कुछ मैचेस में देखा जाए तो रसल इतना चले नहीं है। पैट कमिंस इनका परफॉर्मेंस एवरेज रहता है, डिसेंट रहता है, कहीं ना कहीं परफॉर्म कर ही देते हैं। रिंकू सिंह यंग बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा खेलते हैं और इंडिया के लिए भी खेले हुए हैं, तो बहुत ही तगड़ी लाइनअप हो जाती है इनके आने से। और ट्रेविस हेड जो है ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं और इनके स्क्वाड में आने से जो डेप्थ बढ़ जाती है एसआरएच के लिए वो काम आएगी लोअर ऑर्डर्स में या टॉप ऑर्डर में, कहीं पर भी ये खेल सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपको प्रेडिक्शन कैसे सर्च करना है। गूगल पर जाना है, crickettipper.org डालना है या crickettipper.org डालना है, तो इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। उस पर क्लिक करके IPL 2024 प्रेडिक्शन पर क्लिक करोगे तो आज के मैच की प्रेडिक्शन आपको मिल जाएगी। मैं बता देता हूँ टॉस का प्रेडिक्शन देखिए जाता है KKR के साथ में, और टीम का प्रेडिक्शन जाता है दोस्तों ये आपको मिलेगी वेबसाइट पर। और कलकत्ता अगर पहले बैटिंग करती है तो 182-183 का लंबा स्कोर बन सकता है, और अगर दिल्ली पहले बैटिंग करती है, सॉरी SRH है ये, इसको हटा के हम SRH करेंगे, ये टीम से गलती हो गई है, यहाँ पर अपडेट नहीं किया उन्होंने, इसको SRH करेंगे हम। और SRH जो है अगर पहले बैटिंग करता है तो 176-177 का स्कोर बनेगा। तो ये थी लंबी के बारे में बातचीत, और टीम का विनर आपको मिलेगा crickettipper.org, यहाँ पर आपको टीम का प्रेडिक्शन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है आपको, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि ये है नंबर 1 क्रिकेट प्रेडिक्शन चैनल।